बाला जी का नाम मत लो, पानी और दे दे रहा, भगवान खुद नहीं है। कुल मिला के जाओ बाहर घूमो तब तक तुम लोग। कीर्तन जगत के सारे मंडल बेकार हैं, बस दो ही मंडल इस समय चरम सीमा पर हैं, तो हमारे धतिराज जी का और क्रांति माला जी का है। चलिए कुछ नहीं कहना है ना, लेकिन ये आदत बहुत बेकार है आपकी। भैया उधरे रहो भैया ना, तुम लोग जवाब सुन लो। हाँ होगा जीजा, अब जीजा आप लाए हो तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भगवान बोले राम माता पार्वती से महाराज देखने के लिए जिद करने लगे। और आप जाओगे तो आपको भी नारी बनना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, हम नारी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाएंगे जरूर। माता ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो चलो, लेकिन आप पहले अपना रंग रूप बदल तो लीजिए। बदलिए। भगवान शंकर बोले कैसे? कैसे स्वामी, ये पैगंबर हटाओ, लहंगा चुन्नी पहनो। उठाओ इसको। शंकर जी ने लहंगा चुन्नी पहन लिया, लंबा घूंघट डाल दिया, गले में जो नाग लिपटा है तो वो उतार रख दिया। जब खोपड़ी से गंगा जी को नीचे मारने लगे तो गंगा जी सोचने लगी, अरे 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 बेचारा मोनू आ रहा है डूबते हुए। गंगा जी ने सोचा, अरे एक तो ये खुदा नारी का रूप बना रहे हैं और मैं भी नारी हूं, तो फिर मुझे सर से आप पार क्यों रहे हैं? हमसे किस बात की शर्म कर रहे हैं? देखिए गंगा जी सोच रही है, क्या कह रही है? कि कब बंदर पर कब बन गए नारी। तो प्रयास कर रही सुनो। गंगा जी ने कहा पैसे तो रहते खट खट में जीजा, पैसे तो रहते खट खट में जीजा, कभी कभी धूनी रमाए मन खट में जीजा, यही शंकर जी राधा बने थे। राधा बन पहुंचे पन घट में जीजा, तो घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आज होता है जब घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, धन्यवाद है।